क्वेश्चन देखिए, इसका बी नंबर अल्फा का मान निकालना है। देखो इसका नाम दे दो, ए बी सी डी, यहाँ पे आप कुछ दे देते हैं, ई दे दें, ओ दे दें, कुछ भी दे दो यार, ओ दे देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे समझिए, ये 80 है तो ये 80 हो जाएगा। कैसे होगा 80? एक ही वृत्तखंड के कोण जो होते हैं वो समान होते हैं, परिधि पर के कोण समान हो जाते हैं। तो 80 80, ये 40, तो ये तीसरा निकल नहीं जाएगा आपसे। चलिए देख लेते हैं, लिख सकते हैं कि एंगल बी सी डी बराबर में एंगल बी ए डी बराबर में 80। क्यों? हम लिख सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण बराबर, परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये 80 तो वो 80 हो गया। अच्छा, अल्फा प्लस में एंगल ओ, आपका ये बी सी डी लिखो या ओ सी डी भी लिख सकते हैं, और प्लस में एंगल ओ डी सी, ये तीनों मिला के 180 होगा ना। इस त्रिभुज के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, त्रिभुज ओ सी डी में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यह अल्फा, यह और यह हो जाएगा। अल्फा की जगह आप उसका नाम भी लिख सकते हो, एंगल सी ओ डी, अल्फा की जगह आप एंगल सी ओ डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यह है अल्फा, ओ सी डी, ओ सी डी आपका है 80 और यह है आपका 40। इन दोनों को जोड़िए, 120, 120 जाके उधर घटा दिए, तो अल्फा बराबर में 180 में से 120 घटा देंगे, 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला